फिल्में बनाने को ट्रेंड में साउथ की फिल्म इंडस्ट्री के कई नाम आगे आ चुके हैं। इंडियन सिनेमा फैंस को इस लिस्ट में धनुष को देखने की इच्छा बहुत जोर से रही है। तमिल सिनेमा के सबसे दमदार एक्टर्स में शामिल है धनुष। अपनी इंडस्ट्री के तो स्टार हैं ही, लेकिन उनके फैंस पूरे इंडिया में बहुत हैं। धनुष ने जब हिंदी में रांझणा फिल्म से डेब्यू किया तो उनका काम लोगों के दिल में उतर गया। इस फिल्म में उनका किरदार मॉडर्न हिंदी फिल्मों के सबसे आइकॉनिक किरदारों में से एक है। वही अतरंगी रे में भी धनुष ने अपने काम से एक बार फिर हिंदी दर्शकों को जमकर एंटरटेन किया। ऐसे में धनुष को एक प्रॉपर धांसू पैन इंडिया फिल्म में देखना बहुत सारे लोगों का सपना रहा है। इसलिए जब उनकी पहली पैन इंडिया फिल्म कैप्टन किलर अनाउंस हुई तभी से जनता बहुत एक्साइटेड थी। हालांकि अभी तक मेकर्स ने फिल्म का पोस्टर ही शेयर किया था, लेकिन धनुष के जन्मदिन पर मेकर्स ने आखिरकार कैप्टन मिलर का टीजर शेयर कर दिया। इस टीजर को देखकर ही पता लगता है कि ये फिल्म कितनी धांसू होने वाली है। वही आपको बता दें कि फिल्म के अनाउंसमेंट के वक्त बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई कि इनकी कहानी श्रीलंका की तमिल मिलिटेंट संगठन लिट्टे के एक रियल लाइफ लड़ाके कैप्टन मिलर पर बेस्ड है, लेकिन डायरेक्टर अरुण मथेश्वरन ने ये कंफर्म किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल फिल्म में धनुष के किरदार का नाम कैप्टन मिलर है। ऐसा लगता है जैसे धनुष के किरदार का कोई आर्मी बैकग्राउंड है। कैप्टन मिलर का टीजर देखकर लगता है जैसे ये भारत के किसी सुदूर इलाके में ब्रिटिश सेना के खिलाफ खड़ी आम जनता की लड़ाई की कहानी हो। वैसे आपको कैसी लगी कैप्टन मिलर का ये टीजर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।